गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के पैकेज वन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सप्रेसवे का पैकेज थ्री देखा था। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे एक 260 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु से तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई को। करंटली बेंगलुरु से चेन्नई जाने के लिए आपको 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है, बट इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद आपका टाइम घट के आधा हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 घंटे के अंदर आप इजीली चेन्नई कनेक्ट कर पाएंगे। कर्नाटका में इस एक्सप्रेसवे का 71 किलोमीटर का एरिया आता है, जिसे 3 पैकेज में डिवाइड किया गया है। पहले 2 पैकेज यानी कि पैकेज 1 और पैकेज 2 को बना रही है दिलीप बिल्डकॉन, और नेक्स्ट यानी कि पैकेज नंबर 3 जिसे बना रही है KCC बिल्डकॉन। पैकेज 3 का अपडेट हमने कुछ दिन पहले ही दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक अवेलेबल है या फिर डिस्क्रिप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं पैकेज 1 का अपडेट। पैकेज 1 की शुरुआत होती है बेंगलुरु में होस्कोटे से। होस्कोटे के पास बना है ये क्लोवर लीफ इंटरचेंज। ये इंटरचेंज वैसे तो पूरा बनकर तैयार है, सिर्फ एक रैंप के ऊपर थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। अदर देन दैट कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ कंप्लीटेड ही दिखाई दे रहा है। इस इंटरचेंज से निकलने के बाद आप कनेक्ट कर सकते हैं बेंगलोर टाउन से या फिर नेशनल हाईवे नंबर 75 से। अगर आप इस एक्सप्रेसवे को यूज़ करके स्ट्रेट जाते हैं तो आप कनेक्ट कर लेंगे बेंगलोर सेटेलाइट टाउन रिंग रोड के साथ, और इस रिंग रोड को यूज़ करके आगे के लोकेशंस को भी कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो बेंगलोर एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से आगे चलते हैं, और आगे आप देख पाएंगे कि इंटरचेंज के जिस रैंप के बारे में हमने बात की थी अभी, उसी रैंप का जो कनेक्टिंग एरिया है वहाँ पे लेन मार्किंग करना भी अभी बाकी है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको एक ओवर पास नज़र आएगा, ये बनकर रेडी है और ऑपरेशनल है फॉर लोकल पब्लिक। यहाँ पे नीचे आप एक रोड देख पा रहे हैं, ये रोड है दोस्तों स्टेट हाईवे नंबर 95। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ, स्टेट हाईवे नंबर 95 कर्नाटका के पूरे सेक्शन के पैरेलल ही जाने वाला है। तो यहाँ से आगे किसी भी इंटरचेंज से निकल के आप स्टेट हाईवे नंबर 95 से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। और थोड़ा और आगे चलें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरिया दिखाई देगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक टेंपल को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। इसी हिली सेक्शन के ऊपर में है एक टेंपल, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब ये तो किसी को नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा और कब इसका कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट किया जा। कर्नाटका में अगर हम वैसे देखेंगे जो मेजोरिटी एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो वो यही एक एरिया है। इस एरिया को छोड़ के बाकी ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। इस एरिया में लेफ्ट साइड में आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ नजर आ जाएगा। ये एरिया बेंगलुरु सेटेलाइट टाउन रिंग रोड का ही एरिया है। इस एरिया का प्रोजेक्ट अपडेट हमने पहले भी शूट किया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक अवेलेबल है या फिर आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन।
आगे चलें तो आपको एक और ओवर पास नज़र आएगा जहाँ पे एक साइड में कंस्ट्रक्शन अभी भी करना बाकी है। ये ओवर पास बनाया गया है स्टेट हाईवे नंबर 95 के लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, स्टेट हाईवे नंबर 95 पूरे एक्सप्रेसवे के पैरेलल ही वाला है इन कर्नाटका स्टेट। ओवरपास के एक एरिया में आप देखेंगे रोड लेइंग करना अभी बाकी है, और इसके नीचे जो एक्सप्रेसवे का एरिया है वहाँ पे लेन मार्किंग करना अभी बाकी है। फिर हम आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देगा एक टोल प्लाज़ा। ये टोल प्लाज़ा बन के रेडी है, टोल बिल्डिंग भी बन के रेडी है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो चुके हैं, स्पीड रडार्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो इस एरिया में आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आएगा, जहाँ एक साइड में करंटली रोड लेइंग का काम चल रहा है तो दूसरे साइड में भी कंस्ट्रक्शन वर्क करंटली चल ही रहा है। फिर आगे चलते चलते हम पहुंच गए हैं मालूर इंटरचेंज के पास, जो कि ऑलमोस्ट बन के तैयार है। मालूर इंटरचेंज से निकल के आप मालूर कोलार रोड से कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक साइड से आपको मालूर तो दूसरी साइड में कोलार से कनेक्ट करेगा। मालूर में जाके आप स्टेट हाईवे नंबर 95 से भी कनेक्ट हो पाएंगे। इस एरियाज में भी कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, टोल बिल्डिंग रेडी है, सीसीटीवी कैमराज भी रेडी है, स्पीड रडार्स और वट एवर जो भी एवरीथिंग यहाँ पे हो सकता था वो सब कुछ यहाँ पे बन के तैयार हैं। यहाँ से आगे चले तो यहाँ से आगे का एरिया भी आपको पूरा कम्प्लीटली दिखाई देगा, क्योंकि हम पैकेज वन का अपडेट देख रहे थे और हम आ गए हैं पैकेज वन के एंड पे, यानी कि मालूर में।
ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे पैकेज में मोर देन 95% वर्क कंप्लीट हो चुका है। बस एक मेजर एरिया है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके अलावा बाकी ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे कोई मेजर काम बचा हो। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी काम बचा है पैकेज वन में, इसे बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी हमें ये एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको आया होगा पसंद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप हमें फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं सो दैट कि हम ऐसे ही वैल्यूएबल कॉन्टेंट्स आपके लिए बनाते रहें, डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।